नाजरीन ईस्टर का मौका है और हमारे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि आज कैथरीन टीवी के स्टूडियो में वो तमाम लोग जमा है जो कैथरीन टीवी में किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई अपना रोल प्ले करते हैं। इनमें एंकर्स भी बैठे हुए हैं, इनमें सिंगर्स भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो मुख्तलिफ प्रोग्राम के जरिए आपको सारा साल प्रोग्रामों से महसूस करते हैं। सो मैं इन्हीं की भरपूर तालियों में इनको कैथरीन टीवी के स्टूडियो में वेलकम कहता हूं। नाजरीन, हम सब की तरफ से आपको ईस्टर की ढेरों खुशियां मुबारक हो। और जैसे कि आज हमारा ईस्टर का ये स्पेशल प्रोग्राम है, तो मैं चाहूंगा कि हम यूनुस वरियाम साहब से पूछते हैं कि ईस्टर जो है वो हमारे लिए क्या मानी रखता है और ईस्टर जो है हम मसीहों के लिए क्या है। जस्पर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस मौके पर मधु किया है। आज पूरी दुनिया के मसीही ईस्टर की खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम ईस्टर की खुशियाँ मनाएं, हमें ये जानना चाहिए कि ईस्टर है क्या। ईस्टर वो दिन है कि जिस दिन हमारे निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए हमारे गुनाहों के सबब से उस सलीब पे मुए और तीसरे दिन जिंदा हो गए। उनके जिंदा होने की खुशी में आज हम ईस्टर की खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखें कि मौसम बहार है और मौसम बहार में आप जिस तरफ भी देखेंगे सब्जा और रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा होने की खुशी में ना सिर्फ इंसान बल्कि हैवान और ये जो नबातात हैं वो भी उनके जी उठने की खुशी में अपने अपने तरीक़ों से सब्ज़ा और रंग बिरंगे फूल जो हैं वो बिखेरे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि आज हमें भी उस अपने याद दिंदा की खुशी में हर एक को शरीक करना चाहिए और हर एक के साथ मिलके इन खुशियों को दुबाला करना चाहिए। सो यूनुस साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि ईस्टर जो है हमारे लिए निजात का दिन है, ना सिर्फ हमारे लिए, हर नबातात हर चीज जो है वो यीशु मसीह के जिंदा होने से लहलहाती है, खुशी मनाती है, इसलिए ईस्टर हम सब के लिए खुशियों का दिन है। सो मैं चाहूंगा कि सिसल भाई आप कुछ कहें इस दिन के हवाले से। थैंक यू सो मच जसरू सर। सबसे पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज सारी टीम जो है यहाँ पर जमा है, कैथरीन टीवी की सारे एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, और खुशी का दिन है आज और पूरी दुनिया में सारे लोग जो है सर ईस्टर को बड़ी खुशी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा इस मौके पे कि बेसिकली जो है खुदावंद यीशु मसीह का हमारे साथ जान दी और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं जिसकी कब्र आज भी खाली है और वो सिर्फ हमारे यीशु नासरी की कब्र है। तो मैं चाहूँगा सारे मिलकर यीशु नासरी के लिए जोरदार जैसा कि आज हम ईस्टर मना रहे हैं, ये हमारे लिए वाकई ही बहुत ही खुशी का मौका है। जैसा कि सिसल भाई ने और अंकल यूनुस ने बहुत अच्छी तरह बयान किया है, मरता तो हर कोई है लेकिन मरकर जिंदा होना हमारे यीशु मसीह की ही शान है। तो इसीलिए मैं कहूँगी पैदा भी सभी होते हैं लेकिन मुर्दों में से जी उठना ये हमारे निजात दहिंदा का ही काम है जो अपने वादा के मुताबिक तीसरे दिन जी उठा है। तो इसीलिए ये मैं समझूंगी ये क्रिसमस से बड़ी हमारी ईद है और इसको हमें बड़े जोश और खरोश से मनाना चाहिए। इसलिए हमें सब मिलकर क्या कहना चाहिए हमें? हालेलुया, यीशु मसीह, यीशु मसीह का जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया, जी।